नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ शिवानंद। वक्त हो चुका है यूपी की टॉप 10 फटाफट खबरों का। उत्तर प्रदेश सरकार यूपी से निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यातकों को कई सहूलियत देगी। यूपी सरकार उनके लिए जल्द सिंगल विंडो सिस्टम बनाएगी। इतना ही नहीं, उनके लिए जीएसटी रिफंड संबंधी मामलों को सुलझाने के लिए जल्द ही जीएसटी सेल बनेगा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के लव जिहाद पर कानून बनाने के बयान पर AIMIM प्रमुख असाउद्दीन ओवैसी ने बिहार में एक चुनावी रैली में उन्हें सलाह देते हुए कहा है कि योगी जी को लव जिहाद पर आर्टिकल 21 का अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए। अगर जानकारी नहीं है तो अच्छे वकील से जानकारी लें। दीपावली पर अपने संसदीय क्षेत्र की जनता को सौगात देने के लिए 12 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आ रहे हैं। कोरोना काल में तैयार हो चुकी 400 करोड़ रुपए की लागत से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण होगा। इसके अलावा करीब 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के शिलान्यास की भी तैयारी है। लखनऊ का अमौसी एयरपोर्ट का संचालन आज से अदानी ग्रुप करेगा। एयरपोर्ट के प्रबंधन से लेकर वित्तीय मामलों में अदानी ग्रुप के अधिकारी ही फैसला लेंगे। बता दें कि अदानी ग्रुप के पास इस एयरपोर्ट की जिम्मेदारी अगले 50 साल तक होगी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आज सुबह दो वाहनों के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 अन्य लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल तो शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उत्तर प्रदेश में जौनपुर के मछली शहर कस्बे में फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रोन का आपत्तिजनक पोस्टर सड़क पर लगाने में 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति का आपत्तिजनक पोस्टर भी हटवा दिया। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी BSNL ने अपनी कई सेवाओं को निजी कंपनियों के हवाले कर दिया है। इससे सेवा और गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। जिन सेवाओं की आउटसोर्सिंग की जाएगी उनमें कस्टमर केयर सेंटर भी शामिल है। गवर्नमेंट की तर्ज पर राजधानी के प्राइमरी स्कूल भी स्मार्ट होंगे। पहले चरण में 30 स्कूलों के क्लासरूम को स्मार्ट बनाने की तैयारी हुई है। आगामी शैक्षिक सत्र से बच्चों को स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ने का मौका मिलेगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी दिनेश कुमार ने इसका प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए भेजा है। उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी प्राइमरी तथा उच्च प्राइमरी स्कूलों को दीपावली के बाद खोलने पर विचार शुरू हो गया है। इसके लिए गाइडलाइन तैयार की जा रही है। जूनियर 6 से 8 तक की कक्षाएं नवंबर के दूसरे पखवाड़े में और 1 से 5 तक के प्राइमरी स्कूलों को दिसंबर में खोलने की तैयारी की जा रही है। AMU के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में मेडिकल छात्रों के लिए अच्छी खबर है। कॉलेज प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मेडिकल स्टूडेंट के एग्जाम होने से 2 महीने पहले ही प्रैक्टिकल कराए जाएंगे। तो ये थी आज की यूपी की टॉप 10 फटाफट खबर। ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल मोबाइल न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।